गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मॉरल वैल्यू 8। ओके, ग्रैंडमास गार्डन। पैशन इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। पैशन का मतलब होता है सब्र, बिटर का मतलब होता है कड़वा। इसका मतलब, ये लाइन का मतलब है, ये सेंटेंस का मतलब है कि सब्र हमेशा कड़वा आता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। ओके, नाउ वी विल सी द मॉरल वैल्यू कब और देयर। हाँ, द वर्ड इज अबाउट मॉरल वैल्यू, वर्ड इज देयर पेशेंस। पेशेंस का मतलब सब्र, धीरज, सहनशीलता। ओके, पेशेंस इज ए वर्च्यू विच एनेबल्स ए पर्सन टू प्रोसीड टूवर्ड्स हिज गोल without being distracted or disturbed by any kind of difficulties, problems or failures. It helps a person to keep himself cool when he is under stress. Now I'm going to explain this short पैराग्राफ मीनिंग। सब्र एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है जो हमें, जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाती है अपने लक्ष्य पे, बिना कोई ध्यान हटाते हुए या कोई ध्यान भंग करते हुए, कोई भी काम से या डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से नहीं, या कोई हार हो जाती है तो वो ध्यान नहीं हटता। सब्र हमें, सब्र एक ऐसा ही गुण है जो इंसान को आगे बढ़ने की देती है अपने लक्ष्य में। जब कोई मुसीबत या कोई तकलीफ आती है तो वो इंसान उससे लड़ता है, उससे उस हार को झेलता है और अपने मंजिल को या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता है। ओके, और मेहनत करता है और हमेशा एकदम ठंडे दिमाग से अपना काम करता है, जबकि वो बहुत ही प्रेशर में रहता है, अंडर स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस मतलब बहुत ही, ही हैज लॉट ऑफ प्रेशर टू अचीव हिज गोल। ओके, here is the explanation over there. Before explaining the chapter, I will read the check meter also and explain over there, and then we will proceed with the difficult words and their meaning. Then after that we will continue with the explanation of this chapter. Okay, here is the check meter over there. Again I will read the moral value of the passion is bitter but its fruits is always sweet. Matlab sabre हमेशा कड़वा होता है, सब्र हमेशा कड़वा होता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। यार ऑलवेज इज नॉट रिटन इज बिटर रिटन बट आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द मॉरल वैल्यू। ओके, हाँ, वैल्यू। डू यू फील एंग्री इफ यू हैव टू वेट फॉर समथिंग? डू यू हेट वेटिंग? डू यू हैव पेशेंस इन यू? डू यू फाइंड? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट देन कलर द बॉक्स ऑफ द स्टेटमेंट यू एग्री विथ। यू विल कम टू नो द लेवल ऑफ यूर पेशेंस। ओके, सब्र, इन दिस कहा जा रहा है कि इन दिस सेंटेंस द चेकमीटर इज सेइंग दैट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आप गुस्सा हो जाते हैं जब आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, हाँ, और आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उसको बहुत नफरत करने लगते हैं कि वेट करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है कोई चीज़ के लिए। अभी यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको देखना है कि आप सच्चे में इसको हेट करते हैं। यू हैव टू वेट फॉर फूड व्हेन यू आर एंग्री। ओके, इफ समटाइम्स इट हैपेंस विथ एवरीवन। ओके, सो दिस पॉइंट, इफ यू थिंक यू हैव टू वेट समटाइम्स फॉर फूड व्हेन यू आर फील वेरी एंग्री। ओके, हंग्री। ओके, यू डू नॉट लाइक टू वेट फॉर संडे फॉर हॉलीडे।
means every day we are studying over there. You people are studying over for 6 days. Then you will see when we will get a holiday and we will relax over there. Okay, you don't like to wait. If you think that you, this point is familiar with you, you can point tick over there. Any one point, any 2 point or the 1 point which you are don't like it to, which you hate to wait. Okay, you don't like to do work if you are not successful in first attempt. This has happened with everyone. You don't like to work if sometimes you get failure in first attempt, so you don't like to do that work. It's happened. So I will take over there. Here it happens with me. Okay, you are always in hurry, so you do not, you do lot of mistakes in writing your answers. Yes, sometimes happens with some people or with many people. Means we are in hurry whenever in exam we are writing a paper over there. We are in so hurry to complete the paper, we make lot of mistakes over in writing the answer over there. Okay, if you think you become restless in the class when teacher teaches, when any subject you are thinking that is boring, you feel restless. You can't control yourself. If whenever the teacher is teaching or you fail any boring subject, then you feel restless over there. Then if you think, you mark it over there. Any one point you can have. Okay. Okay. I with my point of view, I have tick mark over there on the third. You don't like to do work if not successful in the first attempt. I have ticked over there. If you think anyone over there, okay, which point you think, you mark it over there. Now we are after, now before beginning the chapter over there, first is the main thing is the pronunciation of the word, difficult word, which are coming in this chapter. First we have to see the pronunciation and see the meaning of it in Hindi so that we can understand it very properly. Okay. Patience. Now I'm going to, I've written the whole chapter difficult word over there. First I will read the words over there, then I will show you the meaning of the words in Hindi. Okay, patience, the pronunciation is patience. Okay, proceed, distracted, captivate, disappointed, miserable, cultivate, self-confidence, nourish, building, perfection and abilities. Okay, I pronounced all the word over there. You will do after the my explanation. Okay, try to do this way, you will be better learn the pronunciation of each word. Okay, now we are going to do the meaning of the word. पेशेंस का मतलब होता है हिंदी में धीरज, सब्र, सहनशीलता. प्रोसीड का मतलब बढ़ना. डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान भंग करना. ओके. कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित कर देना. ओके. डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश होना, निराश. मिसरेबल अत्यंत दुखी या दुखी होना. कल्टीवेट मतलब उगाना या विकसित करना. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास. ओके. नरिश का मतलब होता है पोषित करना या पालन. बिल्डिंग का मतलब होता है छटाई, छाटना, छाटते हैं हम, अलग अलग करते हैं उसको कहा जाता है. परफेक्शन का मतलब होता है सब प्रकार से संतोषप्रद या पूर्णता, पूर्ण, कंप्लीटली कंप्लीट. ओके. एबिलिटीज का मतलब होता है योग्यता और क्षमता. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड विच आई हैव गिवन सम हिंदी मीनिंग ओवर देयर. यू विल राइट इन द रफ कॉपी एंड लर्न द इट एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो. नाउ द हियर इज द डिफिकल्ट वर्ड टुडे योर वर्क फॉर यू. यू हैव टू राइट द फर्स्ट, यू हैव टू मेक द हेडिंग ऑफ योर चैप्टर 8, ग्रैंडमास गार्डन. इफ यू हैव द If you have time, please try to do some drawing work also. Cultivate a garden over here. Draw a garden over there.
or any flower which you think is good for this, and write here of moral value of this chapter. Patience is bitter, but its fruit is always sweet. Okay, beautiful writing and beautiful drawing for this. Okay, after that, after the finishing writing this one heading and the moral value, you will write the difficult words in your copy. Okay, write this 12 difficult words. Learn the spelling also. It will be helpful for you. Okay, for better understanding the chapter. And this one is the meaning of this difficult word. You will write in the rough copy only. No need to write in moral value copy. Okay, now before beginning this chapter, explanation, I will explain this chapter tomorrow. First you write and learn the spelling with yourself tomorrow. Okay, thank you, have a nice day.